मोदी जी का कौन कौन सा काम है, गैस सिलेंडर पंप मिल गया सबको? सबको मिला, अब दाम बढ़ रहे तो मोदी जी कम करेंगे। हाँ, मोदी जी महंगाई कम किए, कहाँ कम पाई है, महंगाई कम नहीं हुआ है, कहाँ काम है, सबको सिलेंडर दे दिए मोदी जी। कहाँ हमारा सिलेंडर फ्री में मोदी जी देखी है, ना पैसे से तो दे दिए, लेते हैं तब पैसा नहीं लेता है, तब कोची लेता लेता है एक सिलेंडर का, एक सिलेंडर के 1230 रुपया। मोदी जी शानदार काम कर रहे हैं, बहुत बहुत सुंदर, कोई महंगाई नहीं है। और पहले आप नोटबंदी मतलब जो चालू किए है ना, जो चेंज, और हम लोग सुंदर से कमा रहे हैं। पहले पहले तो हम ठेला चला के 200 रुपया कमाते, तब 1000 रुपया मेरे लिए कुछ नहीं है। आंटी जी सिलेंडर कैसे लेते हैं? पहले तो लेते थे 400, अब लिए थे 1200। इस वक्त मैं पटना में हूँ। पटना का यह कमला नेहरू नगर है, जो एक जमाने में लालू यादव ने इस बस्ती को बसाया था। दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। और जिस प्रकार से आप इस बस्ती में इन करेंगे तो आपको दिखेगा कि आज भी लोग काफ़ी मुसीबतों में ज़िंदगी को जी रहे हैं। ना इनके पास प्रॉपर घर है, ना बाथरूम के लिए जगह है, और बड़ी मुश्किल से ये लोग जी रहे हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे, और मोदी जी के जो 9 साल बेमिसाल का उनका नारा है, क्या वह धरातल पर पहुँचा है, इन्हीं लोगों से हम चलते टहलते बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। एटरेंडम हमने सोचा कि इन लोगों से आपको मिलवाया जाए, इनकी ज़िंदगी कैसी रही है पिछले 9 साल में, क्या कुछ बदलाव हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? नाम बताइए। क्या नाम बताएं? मोदी जी के 9 साल बेमिसाल बोल रहे हैं। हाँ। अच्छे दिन आ गए? बहुत अच्छे दिन आ गए हैं। क्या अच्छा हुआ आपके जीवन में? अच्छा जीवन में क्या हुआ, यही अच्छा जीवन हुआ कि लॉकडाउन में सब चीज़ मतलब कि पैसा इतना नेता विधायक है, कोई राज में 500 का नोट नहीं देखने, मोदी जी के राज में मिला। अच्छा, आप लोग मोदी जी के समर्थक हैं? हाँ। अच्छा, तो क्या मोदी जी में क्या अच्छा लगता है? अच्छा लगता है कम से कम मारपीट, रात की भी हम ड्यूटी करके चलाते हैं, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। अच्छा, और मोदी जी का कौन कौन सा काम है, गैस सिलेंडर पंप मिल गया सबको? सबको मिला, अब दाम बढ़ रहे तो मोदी जी कम करेंगे। हाँ, अच्छा, महंगाई से परेशानी भी है? परेशानी तो महंगाई था तैयो परेशानी था, सस्ता था तैयो इंसान के परेशानियाँ था, परेशानी जिंदगी से खत्म होता है? हाँ। नहीं खत्म होता है। तो महंगाई से ज्यादा परेशानी नहीं है? अरे महंगाई है तो बोलेंगे तब फिर वहाँ तक पुकार जाएगा। हाँ। नहीं, हमारी बस्ती में आए हैं, लगातार लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनकी हालात अभी भी लगता है कि वो इतिहास में किताब में जो पढ़ता था ना लोग गरीबी, वैसा दिख रहा है यहाँ पे। आप बोल रहे हैं सब कुछ अच्छा है मोदी जी में? हम में अच्छा है तो हम तो अच्छे नहीं बोलेंगे। अच्छा, आप ठीक ठाक हैं? आप ठीक, हम ठीक ठाक हैं। क्या करते हैं आप? हम कपड़ा वाला में काम करते हैं। अच्छा, काम करते हैं ना। नाम नहीं बताया आपने? देवंती बताया ना, देवंती, देवंती जी है ना। और भी लोगों से बात करेंगे सामने। हाँ आइए, अरे आप लोग भी कुछ ना कुछ बोलिए। देखिए ये लोग हैं, इन लोगों से हम एक नॉर्मल फॉर्मल बातचीत कर रहे हैं कि क्या दशा और दिशा है इस समाज का और इस क्षेत्र का। क्या नाम हुआ आपका? प्रेम जी हुआ। तो क्या लगता है आप लोगों को कि जो 9 साल बेमिसाल मोदी जी का जो कहावत है वो क्या फिट बैठ रहा है, क्या जिंदगी खुशहाल हो गई लोगों की? खुशहाल है, सही, कमाना खाना है और क्या, खुशहाल क्या है। 24 में मोदी जी को वोट दीजिएगा? देखिए हैट्रिक लगाएंगे मोदी जी, लगता है आप लोगों को गरीबों के लिए काम हुआ? हाँ हाँ, दिया ही रहा, बहुत तो दिया ही रहा। हाँ, तो महंगाई से परेशानी नहीं है? महंगाई तो है, महंगाई तो है। अपना पूरा नाम बताइए। प्रेम जी हैं, प्रेम जी हलवाई हैं। अच्छा हलवाई हैं, आप लोग मोदी जी के साथ हैं? हाँ हाँ, ये साथ हैं, सब साथ में हैं, सब साथ में हैं। चलिए, आप चाचा, आपका क्या नाम हुआ? सब उधर ही लड़का, नाम क्या हुआ आपका? नहीं, हम नहीं बोलेंगे। चलिए चाचा हैं, ये नहीं बोलेंगे। और यहाँ भी कुछ लोग जमा हैं, इन लोगों से हम बातचीत करते हैं। देखिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गलती से, अरे बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? गाली गलौज मत कीजिएगा। नाम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ वीरेंद्र शर्मा, चैनपुर सिवान बिहार। हाँ। मैं बीते 42 सालों से, हाँ, मैं देख रहा हूँ, हाँ, 42 सालों से देख रहा हूँ कि गरीब लोग दिन में इधर उधर फेरिया लगा के बर्तन व्यवस्था करके या खरीद के या खून बेचकर या अपने को भूखे रख कर कपड़ा व्यवस्था करते हैं, उस वही कपड़ा हम पहने हुए हैं, बर्तने वाला है, बर्तन ले जाओ। मोदी जी बोले अच्छे दिन आ गए, आया कि नहीं? मोदी जी से जाके पूछे कि माने विदेश में किसके गोदी में खेल के आए हैं, 3 दिन रहे हैं,
मोदी को आप लोग सुनिए ना, मोदी जी हट्टिक नहीं लगाएंगे क्या इस बार? मोदी जो है मोदी देश के गोदी में है, बिजनेसमैन अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, क्या नाम है, धीरू अंबानी जिंदा बड़े की रही, उसको जो है मोदी देश के गरीबों वंचितों बोलते रहिए क्या यार, मैंने इसको मना करो ना यार। हाँ हेलो, ये तो मोदी जी में क्या अच्छा लगता है आपको? देखिए अच्छा लगता है कि जो जो कहता है वो करता नहीं, और जो नहीं कहता वो करता है ना? तो मोदी जी काम किए हैं 9 साल, इतना काम किया कि हिंदुस्तान डमरो रहा है, महंगाई कम हुआ। अरे इतना महंगाई कम है कि बैगन भी 60 रुपया हो गया है। ये देखिए बैगन लेके अभी तैयार, बैगन लेके आप चल रहे हैं? हाँ। और एक ही बैगन रखे हैं, महंगा हो गया है? महंगा हो गया है, घेवड़ा का भी भाव 60 रुपया, पटल का भी भाव 50 रुपया, करेला का भी भाव 50 रुपया, और टमाटर जो है बिना स्टेपनी का बिना सिरिंज के उसका हो गया 160 रुपया। टमाटर 160? तो महंगाई से गरीब लोग परेशान है, गरीब महंगाई कितनों महंगा है। मोदी तो आज तक मार्केटिंग नहीं किया, मार्केटिंग ये लोग करता है, यहाँ की बहन करती है, यहाँ की बेटियाँ करती है, पति तो चल जाता है मजदूरी, आज तक ही कुदाल चलाया होगा। देखिए तो इधर चेहरा पर देख लीजिए सब क्या लगता है आप लोग को, महंगाई से परेशान है जनता, क्या लगता है आप लोग? बोलिए बोलिए बोलिए। फुलवारी शरीफ में मकान बनाया, बढ़िया मकान बनाया। चलिए तो आपकी क्या समस्या है सर, आपकी क्या समस्या है? अरे मेरा समस्या यही है, सब बोलता है कि मोदी काम किया, देखिए छत्ता पर थे, छत्ता पर मेरा बच्चा ले ही क्या दिखाना चाह रहे हैं? आइए क्या रास्ता मैं दिखा रहा हूँ आप लोग, देखिए काफी सारे बच्चे भी यहाँ पे आ गए, आप लोगों से बाबू बातचीत करेंगे, ठीक है, रुकना यहीं पे है ना। चलिए इन लोगों से बात कर, क्या कहना चाह रहे थे? बोलने की यही विकास देख लीजिए आप, ये सरकारी आवास था, दिन भर फेरी मजदूरी करते हैं, थोड़ा इधर आके आगे आइए, फेरी मजदूरी करते हैं, रात में आए हैं तो लड़का ट्यूशन से पढ़ के आया था बेचारा, अब वहाँ पर खड़ा हुआ, बस ले ही के गिर गया मेरा बच्चा, सीढ़ी गिर गया, पूरा छज्जाई के साथ सीढ़ी उड़ी सब बैठ गया। ये देखिए ये सरकारी मकान बनवा के इन लोग को दिया गया था, और रात में बारिश हुई है, एक बच्चा उसपे से गिर गया, उसको चोट भी लगी है, सामने देखिए ना फटा हुआ पूरा। आ जाओ छोटू, आ जाओ नीचे, आ जाओ दिखाता हूँ मैं। तो ये शाम में 5 बजे गिरा था सर, 5 बजे शाम में, वो तो ऊपर वाला का करम। कौन सा मोहल्ला है? मोहल्ला ही कमला नेहरू नगर है, कमला नेहरू नगर है, मैं आपको बता दूं कि, और यहाँ पे सरकारी आवास है, और ये आवास कितना साल हुआ सर बनाए हुए? हो गया होगा 17-18 साल। 17-18 साल में इस आवास को देखिए कि ढह गया है, गिर गया है, क्या लगता है आपको, क्या कहना चाह रहे हैं साहब जी? ये मेरे साहब जी यही हमारे भाई हैं, यही बता देंगे कितना कैसे गिरा था कमरा पर देह पर। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, बच्चे के पैर में चोट भी लगा रही है, चोट भी लगा है, कैसे गिर गया? चल रहे थे, चलते चलते पूरा गिर गया अपने आप, गिर गया। तुम उसके साथ नीचे चलाया? हाँ नीचे धस गया। देखिए ना, देखिए एक बड़ी अनहोनी होने से बच गई, आप देख सकते हैं कि लगभग 15-20 साल, इनका कहना है, दावा है कि 17-18 साल इस मकान का हुआ है, सरकारी आवास है, सरकारी आवास के तौर पे गरीबों को बना के दिया गया था, और ठेकेदारी के तहत ये बनता है मकान, कोई अपना मकान खुद का बनाता है तो कम से कम 50 साल चलता है, वहीं जब एक ठेकेदार ने मकान को बना के गरीबों को सुपुर्द किया तो वह 17-18 साल में ही जर्जर हो चुका है, गिर रहा है, इसे पुनः तोड़ के सरकार को नया बनाना चाहिए, है कि नहीं है? तो बात की बात है सर, सबसे पहले तो ना होता है तो सबसे पहले बात जो आता है कि बढ़िया से इसको काम उम करवा दिया जाए कि रह जाए कम से कम, उसके बाद में जो करना हो सरकार करे, फिलहाल तो ये सीढ़ी उड़ी बना देना चाहिए था कम से कम। और मेरा बच्चा किस हालात में देख रहे हैं, अभी तो ऊपर वाला करते हैं, हम गाड़ी चलाते, ऑटो चलाते सर, ऑटो चलाते। ये आपकी समस्या है, तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार हाँ ये देखिए ना, आप गिरता था मर जाता आदमी, जो नीचे गिरा कितना बड़ा गिरा, वहाँ से सीढ़ी था, होने से बचा है। और भी लोगों से हमें नहीं आया देखने के लिए, मेरे बच्चा को कोई देखने नहीं आया, कोई नेता नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई बचा। तो मोदी जी जिताइएगा 24 में, आप जीतिए बाबू, आप जीतिएगा तो हमको फायदा होगा,
मोदी जी से कोई फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं है, कोई देखता है उन लोग के? हम लोग पत्रकार है, हम चुनाव थोड़ी लड़ते हैं। हाँ हाँ, युवा को आना चाहिए क्या? हाँ हाँ, हमको जो कहिएगा वो मैं करेंगे बाबू। चलिए इन लोगों से और लोगों से बात करते हैं, काफी बच्चे हैं, कुछ बच्चों से भी हम जाते हो। किस क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ में पढ़ते हो। मुख्यमंत्री कौन है बिहार के? चीफ मिनिस्टर कौन है? सरकारी में पढ़ता है प्राइवेट में पढ़ता है? सरकारी में पढ़ता है। तो रुकिए, अभी रुकिए, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, क्या नाम हुआ? ईशान। ईशान, क्या तुम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हो? प्राइम मिनिस्टर कौन है देश के? कौन है प्राइम मिनिस्टर? आपका क्या नाम हुआ, क्या नाम हुआ तुम्हारा, क्या नाम हुआ? प्रेसिडेंट कौन है देश का? द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, किस क्लास पढ़ते हो? सिक्स। चलो इसके लिए सब बच्चा ताली बजाओ जल्दी से। तुम लोग पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है या सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है? देखिए, ये इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, सरकारी स्कूल में जो शिक्षा की व्यवस्था है उसका दंश ये बच्चे झेल रहे हैं, इनकी जिंदगी खराब हो रही है। स्कूल में पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, कैमरे लगने चाहिए, इसकी लगातार मांग होती रहती है, साथ में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल के बच्चों की तरह कम्पीट कर सके, आगे बढ़ सके। लेकिन इन बच्चों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं बिहार सरकार खिलवाड़ भी कर रही है। इन लोगों से पूछेंगे हम, क्या नाम हुआ चाची आपका, आप लोग थोड़ा बात कीजिए। अभी हम बच्चों से पूछ रहे थे प्राइम मिनिस्टर का नाम, फाइव क्लास में पढ़ता, कोई बता नहीं रहा है। तो क्या लगता है सरकारी स्कूल पढ़ाई लिखाई नहीं होता है? पढ़ाई लिखाई तो होता है। कहाँ बच्चा सब कहाँ तो बिगड़ रहा है, कहाँ कुछ पढ़ लिख रहा है? हमने के तो बच्चा वही में पढ़ रहा है। पढ़ रहा है सरकारी स्कूल पढ़ाई से खुश हैं आप लोग? सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई होता है उससे खुश हैं आप लोग? अब कहा करे भैया, जब पैसा ना है मजबूरी में पढ़ाते हैं, अब पैसा रहता तो हम पढ़ाते नहीं अथी प्राइवेट में। छोड़िए, मोदी जी के 9 साल से खुश हैं आप लोग, 24 में किसको वोट दीजिएगा? ये अथी जो मदद करे उसका देंगे। मोदी जी महंगाई कम किए? कहाँ कम पाई है, महंगाई कम नहीं हुआ है, कहाँ कम हुआ, सबको सिलेंडर दे दिए मोदी जी? कहाँ हमारा सिलेंडर फ्री में मोदी जी देती है, ना पैसे से तो दे दिए। पैसा लेते हैं? तब पैसा नहीं लेता है तो कुछ लेता है? लेता है एक सिलेंडर का, एक सिलेंडर के 1230 रुपया। 1230 रुपया? हाँ, सस्ता तो है। कहाँ सस्ता है, सस्ता नहीं है। जो रिक्शा चलाए वाला है तो पेट चलाएगा कि अथी सिलेंडर लेगा? आपका आमदनी भी तो बढ़ा, कमाई बढ़ेगा तो महंगाई बढ़बे ना करेगा आंटी जी? महंगाई पहले पैसा जा हले बैंक में, अब पैसा बैंक में जेबो न करा है। हाँ, तो आप लोग कमाई नहीं बढ़ा है, अच्छा दिन नहीं आया? नहीं, अच्छा दिन नहीं, जैसा था वैसा ही रह गया। तो सही है। और खराब हो गया कि वैसा ही है? अब खराब, बेटी जवान हो गया है, पढ़ाई लिखाई के पैसा नहीं जुट रहा है तो सरकारी में भेज रहे हैं। ये सब दर्द है, दर्द है। झोपड़ी के घर में, झोपड़ी के घर में, झोपड़ी घर में लोग रहते हैं, मिट्टी का दीवार है, झोपड़ी के घर में रह रहे हैं ना? हाँ, झोपड़ी के घर में रहते। गरीब परेशान है सरकार में, मोदी सरकार में पानी छूटता है तो घर में पानी पछे पड़ता है। तो ये सब क्या बोल रहे चाचा? राजा ये गरीब गया तक लगी बन जो झोपड़ी नहीं बना, कुछ नहीं बना, तकला झोपड़ी झोपड़िए रह गया, कहो नहीं। आज यहाँ बाहर जी मंदिर बनवा दिए, खाली मंदिर बनवाए हैं, बाकी गरीब के झोपड़ी नहीं बनाया आज तक। मंदिर से नहीं विकास होगा? ना विकास, ना मंदिर से कोई विकास नहीं। मंदिर से आपका घर नहीं बन जाएगा? ना मंदिर से घर नहीं बनेगा, पेट में खाना नहीं मिलेगा? ना ना उस से खाना मिलेगा। आप लोग हिंदू विरोधी है क्या? नहीं, हिंदू विरोधी नहीं है, हम लोग खाने पीने के लिए खड़े हो जाएं चाचा। ना खड़ा ना होगा, गुड़ खुला हुआ है, हुआ। जानते हैं, अरे यहाँ तो कोई के कुछ नहीं देता है। हाँ। कुछ नहीं दिया है, पानियों दिया है, जब पानियों चलता है आप बंद हो जाता है। हाँ। पानियों जो चलता है जब पीने के लिए दिए हैं। 24 में किसको वोट दीजिएगा? लालू यादव को। हाँ। तब सब लालू के दीवाने हैं। हाँ, लालू के दे देंगे। मोदी जी भी तो अच्छा काम किए हैं, अच्छा दिन लाए हैं। कुछ नहीं लाए हैं, उतार गरीबी कर दिए कि गरीब मर रहा है, खाए भी ना मर रहा है। मुस्लिम को टाइट रख रहे हैं मोदी जी? नहीं, खाए लागे मार रहे हैं तो टाइट रख रहे हैं, खाए लागे मार रहा है, उधर से
छुरी चला रहे हैं गर्दन पर सबके, मुस्लिम को टाइट रख रहे हैं ना, कहाँ रखते हैं टाइट, कुछ नहीं टाइट करते हैं, सबके भूखमरी धराए हुए हैं। तब हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसलमान पर वोट नहीं दीजिएगा ना, तब पंचीप दीजिएगा। ओए लालू जी पर है, गरीबी गरीब के मसीहा वही है। पढ़े लिखे हैं चाचा? नहीं पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन सब बात जानते हैं। हाँ, तो मोदी जी से नाखुश हैं? हाँ नाखुश से रहेंगे, इसीलिए कि गरीबी हटा दे हम लोग खुश रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अरे बताइए, कुछ कुछ बताइए, कैसे पूछेंगे कैसे आलू टमाटर? अल्लाह वाला है भैया लोग, मेरा जितना सरकार है बहुत सुंदर है। हाँ। मोदी जी शानदार काम कर रहे हैं, बहुत बहुत सुंदर। कोई महंगाई नहीं है? और पहले आप नोटबंदी मतलब जो चालू किए है ना, जो चेंज, और हम लोग सुंदर से कमा रहे हैं। पहले पहले तो हम ठेला चला के 200 रुपया कमाते, तब 1000 रुपया मेरे लिए कुछ नहीं है। आंटी जी सिलेंडर कैसे लेते हैं? पहले तो लेते थे 400, अब लिए थे 1200। खुश है ना? तो थोड़ा महंगा सोच रहेंगे, जितना कमाते हैं ना उतना तो सिलेंडर में लग जाता है। सिलेंडर टमाटर कैसे है? 100 रुपया किलो। टमाटर खाते हैं कि नहीं? खाते हैं। 120 रुपया लेके खाते हैं, कहते हैं पावर खाते हैं, पावर लेते हैं तो 2-3 दिन चलाते हैं। सब्जी सब महंगा हो गया, सब महंगा, 50 से कम ना, 100 से कम ना। तो मोदी जी से खुश नहीं है आप लोग? बोले थे अच्छा दिन आ जाएगा, सबको मकान मिल जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ? कुछ जैसे तैसी है। महिलाएं परेशान है तो रहेंगे नहीं, वो कमाते हैं तो खाते हैं तो बंद ही रहते चूल्हा। सरकार आता है जाता है लेकिन आप लोग की जिंदगी नहीं बदलती है ना? नहीं बदलती, कुछ नहीं। आप लोग को देखने वाला कोई नहीं है। चलिए, ये हर गरीब का दर्द है, पूरे देश में घूमेंगे तो आपको 35%, आप भी बोल लीजिए थोड़ा, तो 30 से लेके 35% लोग ठीक रहता कि 115 रुपया था, 215 रुपया, आप तो एक ही गुली लगा है कि 2000 रुपया आ जाता है। तो गरीब आदमी कमाएगा तो रिक्शा वाला कमाए वाला रहता तो उतना कहाँ से बिल भरेगा, कहाँ से भरेगा? दिक्कत है ना महंगाई से, महंगाई से दिक्कत है। अब जो पहले वाला मोदी जी मंदिर बनवा दे रहे हैं, मंदिर से पेट नहीं भरेगा? मंदिर से भीख मांगे जेबे, मंदिरों में बैठ के भीख मांगे जाएंगे? पूजा करिएगा, पूजा तो सगरो जहाँ पत्थर के बाबा जी रखें वो जो पूजा कर लेंगे, भगवान सब ठीक कर देंगे। भगवान जब बगैर कमेले वो भगवान नहीं ठीक करता है ना, भगवान पेट नहीं भर देंगे ना, काम करिएगा तब पेट भरेगा। तो काम देखा बउआ, दुनिया संसारी की कमाईला से सब चीज भरा है, अगर हम बैठा रह भाई तो हमारा पेट भर देते, कोई भगवान भर दे अखिन? वो तो सभी कोई पूजा करे कि भगवान के पूजा करे है। तो हिंदू मुसलमान मोदी जी मुस्लिम को टाइट रखते हैं, मंदिर बनवाते हैं, पाकिस्तान के घुस के मारते हैं, उससे आप लोग नहीं खुश हैं? काहे खुश रहे, पाकिस्तान के मुसलमान के अति करा के हमने गरीब सके मारा के, जहाँ खुश रखा कि जहाँ ना जहाँ खुश रखते हैं जहाँ ना हमने के तो जैसे तैसे झोपड़ी जैसे। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, पढ़े लिखे हैं? पढ़ल तो नहीं है, कोई कलम ना पढ़ा, सब बात जानते हैं, जानेंगे नहीं बउआ, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। चलिए, तो ये लोग हैं, इन लोगों से हमने बातचीत किया और किस प्रकार से जो स्थिति दशा और दिशा देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं गरीबों की जिंदगी बेहाल है, बदहाल है, जिस तेजी से काम होने चाहिए थे शायद उस तेजी से काम नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को गरीबों के लिए कुछ ना कुछ तो नया करना होगा, तब जाके इनकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। हजारों हजार साल से जिस प्रकार जातियों की वजह से इन लोगों को सिस्टम से दूर रखा गया, पढ़ाई लिखाई दवाई से, रोजी रोजगार से दूर रखा गया, ज़मीन से संपत्ति से दूर रखा गया, उसी का ये लोग दंश झेल रहे हैं। मानसिक तौर पर भी इनकी स्थिति सही नहीं दिखती है, जो विकास जो इनका सोच है, इनको देखिए, इन लोगों की तस्वीरों को देखिए, देश के भविष्य हैं लेकिन भविष्य को खराब किया जा रहा है, किसी के सर पे, किसी के बदन पे कपड़े नहीं हैं। तो पूरी हकीकत को आपने देखा, इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।